हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल कटारा सिस्टर्स फैशन डायरी में। आज इस वीडियो में हम कास्केडिंग रफल स्कर्ट बनाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। देखिए, स्कर्ट बनाने के लिए मैंने ये 3 मीटर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम अपना मेजरमेंट देख लेते हैं स्कर्ट का। हमारा मेजरमेंट कुछ इस तरीके से होगा। पैंट की लेंथ है 36 इंचेस रेडी, हिप है 32 इंचेस राउंड। फैब्रिक को हम एक साइड से इस तरह से मोड़ेंगे। मेरी तरफ इसकी क्लोज्ड साइड है। उसके बाद हम लेंथ का निशान लगाएंगे जो कि 36 इंचेस रेडी है। इसमें हमें 6 इंचेस एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। अब इस साइड से हम लेंगे हिप का फोर्थ पार्ट। हिप के फोर्थ पार्ट में हम 3 इंचेस एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। अब यहाँ से हमें क्रोचेरिया की लेंथ लेनी है जो कि 14 इंचेस है। क्रोचेरिया की गोलाई हम 2 इंच पे करेंगे। यहाँ से हम मोहरी की चौड़ाई का निशान लगाएंगे जो कि 5.5 इंचेस है। आप अपने पसंद से मोहरी की चौड़ाई रख सकते हैं। इसमें हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे 2 इंच। देखिए, दोनों निशानों को हमें मिलाना है। इसके बाद हम पैंट की कटिंग करेंगे। देखिए, निशान से मैंने पैंट को कट कर लिया है। अब इसको हम दूसरी साइड रखेंगे अच्छे से फैब्रिक के ऊपर मिलाते हुए। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। देखिए, मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। अब हम साइड में सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ। दूसरी तरफ भी हमें ऐसे ही सीधी सिलाई लगानी है। देखिए, मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम क्रोचेरिया पर को स्टिच करेंगे। दोनों साइड्स को इस तरीके से मिलाते हुए क्रोचेरिया पर दोनों तरफ सिलाई लगानी है। देखिए, मैंने क्रोचेरिया पर सिलाई लगाकर इसे इंटरलॉक भी कर लिया है। अब हम बचा हुआ फैब्रिक लेंगे और इस तरह से मोड़ लेंगे। यहाँ से हम हिप का हाफ लेकर निशान लगाएंगे। हमारी पैंट की जो रेडी लेंथ है वो है 36 इंचेस। यहाँ पे हम रफल्स लगाएंगे इसलिए हम लेंथ छोटी लेंगे। 3 इंच हम इसकी लेंथ छोटी लेंगे क्योंकि 4 इंच की हम रफल्स लगाएंगे। उसके बाद हमें इसकी गोलाई करनी है। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाकर हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद हम रफल्स बनाने के लिए पट्टियाँ कट करेंगे। बचा हुआ फैब्रिक लेंगे। इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे और ओपन साइड से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को गोलाई में कट करेंगे। उसके बाद हम रफल्स की चौड़ाई का निशान लगाएंगे जो कि 4 इंचेस है। दोनों तरफ से आधा आधा इंच इसको हम स्टिच करेंगे। हमारी रफल्स की चौड़ाई जो रह जाएगी वो रह जाएगी 4 इंचेस। पूरी गोलाई में निशान लगाकर हम इसे कट करेंगे।
इसी तरह से हम एक बार और निशान लगाकर रफल्स के लिए पट्टियाँ कट करेंगे। अब इसको हम कट करेंगे एक साइड से। दूसरी पट्टी को भी हमें एक साइड से कट करना है। अब इन दोनों पट्टियों को हम जोड़ लेंगे, सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद हम रफल्स बनाएंगे। गोलाई में हमें इस पट्टी को स्टिच करना है। यहाँ पे हम बिल्कुल छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे, ज़्यादा बड़ी हमें प्लेट्स नहीं डालनी है। देखिए ये प्लेट्स काफ़ी इजीली डल जाएंगी, गोलाई में भी इनको डालना बहुत ही इजी है। इसी तरीके से हम सभी प्लेट्स डाल लेंगे। देखिए मैंने सभी प्लेट्स डाल ली है और जॉइंट के ऊपर मैंने इंटरलॉक भी कर ली है। अब राइट साइड से हम इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे अच्छी फिनिशिंग के लिए। अब देखिए मैं मोड़ने के लिए रफल्स को आगे से दूसरे फुट का यूज़ कर रही हूँ, ये इससे काफ़ी इजीली हमारा काम हो जाएगा। आगे से हम इसको बिल्कुल बारीक मोड़ेंगे। देखिए हमें इस तरह से बिल्कुल बारीक मोड़ना है, आप चाहे तो यहाँ पे पिको भी करवा सकते हैं। और अपनी मशीन का रिव्यू मैं काफ़ी जल्दी देने वाली हूँ, क्योंकि हम सोच रहे थे कि हम पहले अपनी मशीन को यूज़ कर ले, उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे। और देखिए सभी रफल्स डालने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके सेंटर में हम निशान लगाएंगे। ऊपर से हमें इलास्टिक डालनी है, उसके लिए हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। अब इस निशान से नीचे की तरफ हमें लेंथ का निशान लगाना है, जो कि 36 इंचेस हमारी पैंट की लेंथ रेडी है। दूसरी तरफ भी हम लेंथ का निशान लगा लेंगे। लेंथ का निशान लगाकर हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को रॉन्ग साइड टर्न करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। दूसरी तरफ भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को मोड़ लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मोड़ने के बाद हम मोहरी की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, जो कि 5.5 इंचेस है। अब क्रोशेरिया से नीचे की तरफ हमें 12 इंचेस पर निशान लगाना है, जो कि नी का निशान होगा। यहाँ से इसकी हमें फिटिंग करनी है नी की। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से अपनी फिटिंग का निशान लगा लें। दूसरी तरफ भी हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम फिटिंग करेंगे। यहाँ पे हमें एक तरफ सेंटर में निशान लगाना है, इसकी फ्रंट साइड कोई भी हो सकती है। देखिए बैक साइड हमें इसको सेंटर में बिल्कुल मिला लेना है, जो क्रोचेरिया की सिलाई है। इसको सेंटर में मिलाते हुए दोनों तरफ बचे हुए फैब्रिक को हम स्टिच करेंगे आगे की तरफ। देखिए ये हमने निशान लगाया हुआ है, रॉन्ग साइड से हम इसको स्टिच करेंगे, दोनों तरफ सिलाइयाँ लगा लेंगे।
अब दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने पैंट के साथ रफल्स को जोड़ लिया है, अब ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद हम इलास्टिक डालेंगे जिसकी वीडियो अभी हमने अपलोड की थी कटारिया सिस्टर्स चैनल पर, आप वहाँ से देख सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए मैंने इलास्टिक डाल ली है, लगभग हमारी पैंट बनके रेडी है। उसके बाद हम स्ट्रैप्स रेडी करेंगे जिसके लिए ये मैंने पट्टी ली है, सीधी पट्टी, चौड़ाई 3.5 इंचेस है। देखिए इसको हम मोड़ लेंगे तीनों साइड से और हम इस पट्टी को मोड़ के एक सिंपल स्ट्रैप बनाएंगे। दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगाएंगे अच्छी फिनिशिंग के लिए। देखिए इस तरह से मैंने दो पट्टियाँ कट कर ली है। पैंट की जो फ्रंट साइड है उस पर हम इनको स्टिच करेंगे इलास्टिक के ऊपर। जहाँ तक हमारी रफल्स है बिल्कुल उसी के जॉइंट पे हमें इन्हें स्टिच करना है। देखिए मैंने इनको स्टिच कर लिया है, इसको हम टाई करेंगे। उसके बाद देखिए हमारी कास्केडिंग रफल्स स्कर्ट बनके एकदम रेडी है। पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।